अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबके। तो आज एनीस को बुक में पक रहा है मटर पनीर। ये देखिए मटर एक मैंने एक बाउल ले लिया है, तकरीबन एक कप के करीब है, स्मॉल जो एक कप होता है। और हाफ बाउल जो है मैंने, हाफ कप मैंने पनीर लिया है, हाफ टी स्पून ये मैंने लिया है टर्मरिक पाउडर। और इसके मैंने दो भर के लिए हैं इसको 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर। ये मैंने एक मीडियम साइज़ ऑनियन ब्राउन करने रख दी है, और उसमें मैं 2 मीडियम साइज़ के टोमेटोज पेस्ट करके उसका ब्लेंड करके उसका पेस्ट बना के मैं इसमें ऐड कर दूँगी। इसमें ऑल स्पाइस चले जाएंगे, जिंजर गार्लिक पेस्ट भी ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून। उसको हम अच्छे से भूनेंगे, दैन उसके बाद फिर हम मटर डालेंगे। मटर डालने के बाद हम हाफ कप, उसका तो वैसे इतना वाटर पानी होता है वेजिटेबल्स का, फिर हाफ कप ऑफ वाटर हम ऐड करके उसको हम मीडियम फ्लेम पर रख देंगे। जब हमें लगेगा कि मटर गल रहे हैं तो हम पनीर को पहले फ्राई करेंगे फ्राई पैन में। इसको अच्छे से 5 से 10 मिनट घी का 1 टेबल स्पून ले लीजिए। उसमें 5 से 10 मिनट फ्राई करने के बाद मैं इसमें ऐड करती हूँ, फिर इसमें हम 5 मिनट और मोर कुक करेंगे। टमाटर मैंने पेस्ट बना के रख लिया है, सिर्फ एक टमाटर लिया है। अच्छा, मैंने एक टमाटर लिया है, अगर आपके मटर ज़्यादा हैं इसका डबल है तो 2 ले सकते। मेरा मीडियम साइज़ का था, इतना था कि वो 2 स्मॉल में आ जाएगा। इसका पेस्ट बना लिया, मैंने ग्रीन चिलीज ऐड कर दी हैं। पनीर मैंने लिया था, बताया था हाफ कप है, अगर आप लोग चाहें तो मोर देन ले सकते हैं, इसको ज़्यादा पसंद है। और अगर चाहें इस ऑप्शनल कि आपको फ्राई करना है कि नहीं, आपको डायरेक्ट डालना है डायरेक्ट में भी, फिर वो हाफ कप ऑफ वाटर जाएगा तो उसी में पक जाएगा, लेकिन मैं फ्राई करूँगी थोड़े से ब्राउन ब्राउन अच्छे लगते हैं। तो चलते हैं कुकिंग की साइड। ये हमारी प्याज ब्राउन हो गई है, अभी इसमें हम तेल डाल देंगे साथ में मसाले भी ऐड कर देंगे। ये गया हमारा रेड चिली पाउडर 1 टेबल स्पून, ये गया हमारा टर्मरिक पाउडर प्लस जिंजर गार्लिक पेस्ट। दो तीन मिनट कुक करेंगे इसको। मेरा जो टर्मरिक पाउडर है थोड़ा पक गया, लग गया। ऑयल जो है वो स्मॉल का जो एक स्मॉल सा जो कप होता है, इतना इतना एक स्मॉल कप आता है, उसको भर के आप ऑयल डाल सकते हैं। या 4 टेबल स्पून भर के भी ऑयल का हिसाब बता रही हूँ मैं, या 2 इसके भर के आप ऑयल ले सकते हैं कुकिंग सॉस स्पून पर। अगर आपको लगे कि मटर कम है तो हाफ कप और ले सकते हैं। देखिए मैंने पनीर ले लिया है, और हाफ टेबल स्पून मैंने घी ऐड करके इसको बस मुझे ब्राउन करूँगी और उसमें ऐड कर दूँगी, और हाफ कप ऑफ वाटर डाल के इसको मैं मीडियम फ्लेम पे स्लो फ्लेम पे रख दूँगी। पहले मीडियम फ्लेम पे पकाऊँगी 3 से 4 मिनट, फिर 5 से 10 मिनट तो स्लो फ्लेम में इसको कुक करने लगते हैं। ये देखिए मैंने पनीर फ्राई करके इसमें डाल दिया है, तो भूनने पर बस हाफ टीस्पून में डाल देंगे, इसका मैंने हाफ डाला था। ये मैंने ग्लास का हाफ कप के करीब लिया था, ये ग्लास इसको हाफ करके लिया तो हाफ कप हो जाता, तो इसको हमने इसमें पानी ऐड कर दिया। अब इसको मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट तक बनाएंगे, फिर उसके बाद पकाएंगे, फिर उसके बाद उसको स्लो फ्लेम में कर देंगे। और हमारा मटर पनीर तैयार है, ट्राई कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।